नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रोहित डडवाल है। मैं कंसल्टेंट हूँ यूरोलॉजी, एंड्रोलॉजी एंड रोबोटिक सर्जरी एट फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली। आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने मीडिया के साथियों के साथ रोबोटिक सर्जरी के बारे में डिस्कस किया। इसका उद्देश्य था रोबोटिक सर्जरी के बारे में जागरूकता पैदा करना, साथ ही साथ इसके प्रोज एंड कॉन्स, इसके नफ़ा नुकसान, इसके क्यों इतनी पॉपुलर हो रही है, क्या है, ये सब चीज़ हमने डिस्कस की। उसके अलावा हमने एक केस, इंटरेस्टिंग केस भी शेयर किया, जिसमें एक महिला को किडनी और एड्रेनल दो ट्यूमर इकट्ठे थे, जिसके लिए कई जगह पे उन्होंने दिखाया था एंड उनको ओपन सर्जरी बोली थी और साथ ही साथ ये बोला गया था कि उनकी पूरी की पूरी किडनी को निकाला जाएगा ट्यूमर के द्वारा, ट्यूमर के साथ। बट सिंस हम रोबोटिक सर्जरी के द्वारा कॉम्प्लेक्स सर्जरीज को आसानी से कर सकते हैं और इसमें ब्लड लॉस और कॉम्प्लिकेशन के चांसेस लीस्ट है एज़ कम्पेयर टू ओपन एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, हमने उनको ऑफ़र किया। पेशेंट टुक अप द चैलेंज, हमने भी चैलेंज लिया और उसके बाद हमने किडनी के एड्रेनल के ट्यूमर को तो निकाला ही निकाला, साथ में किडनी के ट्यूमर को निकाल के 80% से भी ज़्यादा किडनी को उसके बचा लिया गया। तो ऐसी चीज़ों के लिए रोबोट इज़ गोल्ड स्टैंडर्ड। इस टेक्निक को बोलते हैं एड्रेनलेक्टमी, इस सर्जरी का नाम है एड्रेनलेक्टमी एंड पार्शियल नेफ्रेक्टमी। फॉर पार्शियल नेफ्रेक्टमी दिस रोबोटिक सर्जरी इज़ गोल्ड स्टैंडर्ड, मतलब इससे बेटर मोडेलिटी कोई है नहीं, ना ही अभी तक आई है। जी, एक पतला सा दूरबीन जाती है पेट के अंदर, बिकॉज ऑब्वियसली अगर हम सर्जरी कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ स्कोप तो अंदर चाहिए ही चाहिए ताकि हमें विजन हो। बट इसके इस सर्जरी में ये डिफरेंस है कि मैं पेशेंट के साथ खड़े होकर सर्जरी नहीं करता, मैं अलग से बैठ के एक जगह पे जो सर्जन्स कंसोल है उस पे बैठ के सर्जरी करता हूँ, जिसमें एक विजन कार्ड, मतलब कि उसमें आगे बायनोकुलर विजन होता है, जिसमें हमें 3D 10 टाइम्स मैग्नीफाइड विजन मिलता है, मतलब कि थ्री डी 10 गुना ज़्यादा मैग्नीफाइड विजन, जो कि एक एक पतली पतली खून की नस को पूरी तरह से दिखाता है। तो इस केस में हमें जिस चीज़ स्ट्रक्चर को हम इंजर नहीं करना चाहते, उस स्ट्रक्चर को इंजर करने का चांस, या फिर जिस प्लेन से जहाँ से होके हमने सर्जरी करनी है उस प्लेन को लॉस करने का चांस लीस्ट होता है, इसीलिए इसमें रिकवरी बहुत फास्ट होती है। सर, कितने ऑपरेशन ऐसे कामयाब होंगे? देखिए, रोबोटिक सर्जरी के इंडिकेशंस होते हैं, हम किसी को भी ऐसे उठा के रोबोटिक सर्जरी, बिकॉज सिंस इट इज़ कॉस्टली नाउडेज, सो हमने इसके इंडिकेशन, जैसे मैंने बताया पार्शियल नेफ्रेक्टमी में ये गोल्ड स्टैंडर्ड है, रोबोट प्रोस्टेट का किसी को कैंसर है उसमें ये बेस्ट मॉडलिटी है, किसी को डीप पेल्विस में सर्जरी करनी है या फिर कहीं पर रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड है या फिर कोई पाइलोप्लास्टी करनी है, काफ़ी ज़्यादा कुछ इंडिकेशंस होती हैं इसकी। इसकी सर्जरी की मोस्टली, मतलब सक्सेस, देखिए सक्सेस बताना ऐसे तो बड़ा मुश्किल है, बट ओपन सर्जरी के सक्सेस रेट, मतलब फेलियर ऑफ ओपन सर्जरी एंड लैप्रोस्कोपी इज़ वे मोर देन रोबोटिक सर्जरी। रोबोटिक सर्जरी से अगर फेलियर हो रहा है तो वो ओपन और लैप्रोस्कोपी से बहुत ज़्यादा कम चांसेस में होता है। देखिए, मोस्टली यूरोलॉजिकल जो सर्जरीज है वो सारी इंश्योरेंस से कवर्ड है, कोई डिनाई नहीं कर सकता आपको रोबोटिक सर्जरी कराने के लिए, ट्यूमर्स सारे रोबोटिक के लिए कवर्ड हैं, कोई डिनाई नहीं कर सकता। अपार्ट फ्रॉम दैट, उसका एक आर्म्स पे डिपेंड करता है कि कितनी आर्म लगनी है। एक सिंपल सर्जरी में आप दो आर्म से कर सकते हैं तो 40,000 पर आर्म के हिसाब से इसके कॉस्ट होते हैं। सिंपल सर्जरी दो आर्म से हो जाती है, कॉम्प्लेक्स सर्जरी तीन आर्म से हो जाती है, तो आप यू कैन डू द मैथ्स।